स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर वन हमने कर लिया है। इसमें हमने एक कॉम्प्लीमेंट निकाला है और सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें अगर आप बुक में देखेंगे सेकंड क्वेश्चन तो उसमें बी कॉम्प्लीमेंट है, वो भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने एक कॉम्प्लीमेंट किया। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा और अगर आपके नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके बार बार देखें ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है जिसमें हमें बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो वो आप होमवर्क फर्स्ट के बाद वो सेकंड पेज उस पे होमवर्क करिएगा, उसके बाद थर्ड पे हम क्वेश्चन करेंगे। और क्योंकि जो है ना वो आप होमवर्क कर लीजिएगा फिर स्कूल में कॉपी जो है ना वो सबमिट करवा दीजिएगा चेकिंग के लिए। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो सबमिट करवा दीजिएगा चेकिंग के लिए। अब थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें जो है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब ये हमारा क्या है, ये इंटरसेक्शन है। अब ये जो उल्टा यू जैसा बना हुआ है ये है हमारा इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में हमने जो है अब ये हमारा इंटरसेक्शन किया है ए इंटरसेक्शन बी, हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। क्वेश्चन यही रहेगा, ये क्वेश्चन हमें जो है वो मिलेगा, मतलब ए का सेट जैसे हमें मिला हुआ है, बी का सेट मिला हुआ है, यूनिवर्सल सेट हमें यहाँ मिला हुआ, तो ये क्वेश्चन हमें मिला हुआ। अब इसमें से हमें वो निकालना है ए का जो सेट है हमारा वो ये रहा एफ ए सी, तो ए का सेट यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये बीच में है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आ गया, फिर बी का सेट आ गया। अब इन दोनों ए के सेट के बीच में और ए और बी के सेट के बीच में हमें करना है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट में क्या करा था हमने, कॉम्प्लीमेंट में जो सेम थे वो कैंसिल हो गए थे और जो बचा था वो आ गया था। इंटरसेक्शन में जो है जो सेम होगा वो आ जाएगा, जो सेम नहीं होगा वो नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे देखें एफ, तो यहाँ पे जो है वो एफ है तो एफ आ गया, बाकी ए इस ब्रैकेट में ए है इसमें नहीं है, सी है इसमें नहीं है, ई जो है वो है, तो ई और एफ सेम है तो ई और एफ यहाँ पे आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन। कॉम्प्लीमेंट कर लिया हमने, फर्स्ट हमारा कॉम्प्लीमेंट था, फिर सेकंड क्वेश्चन में आपको होमवर्क दिया वो भी सेम है कॉम्प्लीमेंट, उसमें हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला था फर्स्ट में, सेकंड में बी कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो हम बी का ब्रैकेट रखेंगे और उसको यूनिवर्सल ब्रैकेट से यू माइनस, जैसे हमने यहाँ पे करा था फर्स्ट में यू माइनस ए, वैसे सेकंड में आप यू माइनस बी करके और आंसर निकालेंगे अपने। फिर थर्ड हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन किया है, तो इंटरसेक्शन आपको मैंने समझा दिया कि कॉम्प्लीमेंट में हमने जो सेम था वो कैंसिल हो रहा था और इंटरसेक्शन में जो सेम है वो आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं, अब ये हमारा है फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब हमने फर्स्ट जो है वो इंटरसेक्शन पढ़ी है, सही है, ये है इंटरसेक्शन हमारा। सेकेंड हमने जो पढ़ा वो सॉरी ये है इंटरसेक्शन हमारा, और हमने उसके बाद जो है कॉम्प्लीमेंट पढ़ा, और अब थर्ड जो हमारा आ गया वो आ गया यूनियन। अब ये जो यू जो लिखा हुआ है ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, क्योंकि ये भी यू है तो उसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सल सेट है, ये यूनियन है, ये अलग है, ये है हमारा यूनियन। ये तीन चीज, ये तीसरी चीज हम पढ़ रहे हैं, इंटरसेक्शन पढ़ लिया हमने, कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया। इंटरसेक्शन वो जिसमें जो सेम होता है वो आता है, कॉम्प्लीमेंट वो जिसमें जो सेम होता है वो कट जाता है, और यूनियन अब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हम दोनों चीजें दी हुई है, इंटरसेक्शन हमने पढ़ लिया ये रहा, और यूनियन हमें पढ़ना है। अब ये यहाँ पे दोनों चीजें दी हुई, यूनियन भी लिया हुआ है इंटरसेक्शन भी दिया हुआ, तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हमें दिया हुआ है, तो कॉम्प्लीमेंट में हमें पता है कि क्या करना होता है कि जैसे हमने उसमें किया था ए के ऊपर जब कॉम्प्लीमेंट था तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब था कि यूनिवर्सल सेट को माइनस करना है ए से, तो जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए यूनियन बी के ऊपर है, तो ए यूनियन बी को हमें कॉम्प्लीमेंट से माइनस मतलब यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है, लेकिन यहाँ पे पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा क्योंकि ए यूनियन बी हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, हमें यहाँ पे ए का अलग सेट दिया हुआ है, बी का अलग सेट दिया हुआ है, ए यूनियन बी दिया हुआ नहीं है, तो ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे ए यूनियन बी निकालने के लिए सबसे पहले हम ये ब्रैकेट्स और कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के ए यूनियन बी यहाँ पे उठाएंगे। अब यहाँ पे ए यूनियन बी हमें निकालना है, तो ए का ब्रैकेट आ गया, ए का जो सेट है वो आ गया, उसके बाद यूनियन आ गया, यूनियन के बाद बी का सेट आ गया। अब यूनियन में करना क्या होता है, यूनियन में जो है जो ऑर्डर होता है ना उसके हिसाब से लिखना होता है, मतलब अगर यहाँ पे नंबर्स होते हैं यहाँ पे काउंटिंग होती तो काउंटिंग का जो ऑर्डर होता है उस पर लिखना होता है, यहाँ पे अल्फाबेट से तो अल्फाबेटिक जो ऑर्डर होता है उस पर लिखना होता है। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर किस तरीके से, मतलब
अब यहाँ पे आगे पीछे लिखा हुआ जैसे एफ ए सी ई जी डी एफ, लेकिन अल्फाबेटिक ऑर्डर जो होता है वो होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरीके से चलता है ऑर्डर। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में हमें यूनियन में लिखना है। अब यहाँ पे हमने लिख लिया कि हमारा ए का जो सेट है, हमने ए का सेट लिया था एफ ए सी ई, उसके बाद यूनियन है और बी का सेट है ई जी डी एफ। अब यहाँ पे हम अल्फाबेटिक ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे। इन दोनों ब्रैकेट्स में सबसे पहले अल्फाबेट में क्या आता है, ए आता है, तो ए आ गया। अब यहाँ पे उसके बाद बी आता है, लेकिन इन दोनों सेट्स में बी नहीं है तो हम बी नहीं लिखेंगे। जो इन दोनों सेट्स में होगा हमें सिर्फ उतना ही लिखना है, उतना ही अल्फाबेटिक ऑर्डर में लेके जाना है। अब बी के बाद क्या आता है, सी। तो इस पहले सेट के अंदर दूसरे सेट में हमने लिख लिया है, तो सी है, सी आ गया। उसके बाद क्या आता है, डी। अब यहाँ पे डी भी है, आ गया। और उसके बाद ई आता है। अब ई जो है वो पहले सेट में भी है और दूसरे सेट में भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दो दफा लिख देंगे। जो चीज दोनों सेट में एक मतलब एक जैसी है तो उसको एक ही बार लिख देंगे, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में दो डबल तो रिपीट तो होता नहीं है ना, तो ई एक ही दफा आएगा भले वो दोनों ब्रैकेट्स में क्यों ना। तो ई एक दफा आ गया। अब यहाँ एफ भी दोनों जगह आया लेकिन वो भी एक ही दफा आएगा, और जी आ गया। अब जी के बाद यहाँ पे अल्फाबेटिक ऑर्डर और भी आता है, चाहे जी के, लेकिन यहाँ पे इन सेट्स में नहीं है तो बस यहाँ जी तक करेंगे। अब तो ये हमें मिल गया ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमें मिल गया। तो अब हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आया ए यूनियन बी का और कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो अब हम कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट और माइनस। तो यूनिवर्सल सेट आ गया, माइनस आ गया और ए यूनियन बी आ गया। अब यूनिवर्सल सेट उतार देंगे, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट आ गया पूरा हमारा यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी। उसके बाद माइनस आ गया हमारा, उसके बाद ए यूनियन बी का जो हमने आंसर निकाला था ना, ये ए यूनियन बी का जो आंसर था ए सी डी ई एफ जी, ये आ गया माइनस के बाद। अब इन दोनों में माइनस होगा, और माइनस हमें पता है किस तरीके से होगा, माइनस में क्या होता है, माइनस में जो सेम होता है वो कैंसिल हो जाता है, बचा होता है वो आता है। तो सेम क्या है, यहाँ पे देखो ए ए कैंसिल हो गया, बी बी नहीं है यहाँ पे, सी सी भी है, सी भी कैंसिल हो गया, डी डी भी दोनों में है, ये भी कैंसिल हो गया, उसके बाद ई ई भी कैंसिल हो गया, एफ और जी, एफ और जी दोनों है, तो एफ और जी भी कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे सेम क्या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बी बचा है यहाँ पे। तो हमारा जो आंसर है वो है हमारा आंसर बी, मतलब ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट निकला वो निकला बी, ये है हमारा आंसर। अब इस तरीके से जो है वो, अब यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। तो अब हम देखिए तीन चीजें पढ़ ली है हमने, इंटरसेक्शन पढ़ लिया, कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया और यूनियन पढ़ लिया। इंटरसेक्शन में जो सेम होता है वो आता है, कॉम्प्लीमेंट में जो सेम होता है वो कैंसिल हो जाता है, और यूनियन में जो है अल्फाबेट, अगर अल्फाबेट्स होते हैं तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में, और अगर जो है वो नंबर्स होते हैं, काउंटिंग होती है, काउंटिंग का जो ऑर्डर होता है उसमें वो उस तरीके से सॉल्व होता है। यूनियन हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। अब हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, अब उसकी तरफ चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब इसमें देखें किस तरीके से हम लिया हुआ है, इसमें लिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें इस तरीके से दिया हुआ था कि मतलब ये तो यूनियन था, ए यूनियन बी, और ब्रैकेट्स ये तो ब्रैकेट्स के ऊपर था कॉम्प्लीमेंट, और इसका मतलब था कि होल कॉम्प्लीमेंट है, मतलब पूरे ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरीके से फिर हमने यूनिवर्सल सेट को इस पूरे ब्रैकेट से माइनस किया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स नहीं दिए गए तो इसका मतलब ये होल कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ बी का है, ये सिर्फ बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे ए हमें अलग दिया हुआ, ए इंटरसेक्शन अलग है, उसके बाद फिर बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो पहले हमें इसको निकालने के लिए पहले हमें चाहिए कि हम बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लें, क्योंकि अगर हम ए का ब्रैकेट लिखेंगे, मतलब ए का सेट लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन लिखेंगे, फिर बी बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो हम बी का जो है वो ये वाला सेट नहीं लिख सकते, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व ही नहीं हुआ, तो पहले हमें बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस पर हम बी कॉम्प्लीमेंट उतारेंगे, जैसे जैसे सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया आपको बी कॉम्प्लीमेंट निकालना, उसी तरीके से ये होगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हम निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, यूनिवर्सल सेट को माइनस कर दे। अब बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस होगा बी के सेट से, तो यूनिवर्सल सेट आ गया यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी, ये यूनिवर्सल सेट आ गया, माइनस आ गया फिर, और फिर बी का सेट आ गया ई जी डी एफ। अब इन दोनों को माइनस करना है, और माइनस में क्या करना होता है, माइनस में जो सेम होता है वो कैंसिल होता है। अब यहाँ पे
ए बी और सी, यहां पे ए बी सी नहीं है, यहां पे है ई जी डी एफ, तो ई जी डी एफ, तो ये चारों कैंसिल हो गए, चारों कैंसिल हो। अब यहां पे सिर्फ क्या बचा, ए बी सी, तो ए बी सी निकल गया हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम ये सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि अब हम ए का सेट फिर इंटरसेक्शन फिर बी कॉम्प्लीमेंट या बी कॉम्प्लीमेंट का सेट जो हमने निकाला है वो लगेगा। तो यहां पे हमने पूरा फॉर्म लिख दी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर ए का सेट आ गया, ऊपर से ले लिया हमने ए का सेट एफ ए सी ई, ये रहा एफ ए सी ई, फिर इंटरसेक्शन आ गया और बी कॉम्प्लीमेंट का जो हमने आंसर निकाला था वो आ गया ए बी सी, ए बी सी आ गया आंसर। अब यहां पे ये ए का सेट हो गया, फिर इंटरसेक्शन हो गया, फिर बी कॉम्प्लीमेंट का सेट हो गया। अब इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन करना है। अब इंटरसेक्शन में हमने क्या करना था, इंटरसेक्शन में जो सेम होता है वो आता है, कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या किया था जो सेम होता है वो कैंसिल हो गया था, तो इंटरसेक्शन में जो सेम होता है वो आता है। अब यहां पे सेम देखो एफ, यहां पे एफ नहीं है, ए ए है, ए आ गया, सी सी भी है, सी भी आ गया, ई यहां पे नहीं है, तो बस ये ए और सी सिर्फ सेम है, तो वो जो सेम है वो आ रहा है, ए और सी का हमने ब्रैकेट बना दिया, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब सिक्स में आप अपनी बुक में देखेंगे तो सिक्स में जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिया है, वो दोनों अलग, अब ये दोनों अलग अलग है। तो पहले जैसे मैंने यहाँ पे अब पहले बी कॉम्प्लीमेंट दिया था तो पहले बी निकाला था, तो वहां पे आपको ए कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो आप पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे फिर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर होगा ना उसका इंटरसेक्शन करेंगे। जैसे आप मैंने बी पहले निकाला ना, आप अब वहां पे ए का भी दिया हुआ है तो पहले ए निकलेगा इस तरीके से इसका आंसर, फिर बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकलेगा, उसके बाद जब उन दोनों का आंसर निकल जाएगा तो फिर उन दोनों के आंसरों को आपने इंटरसेक्शन करना है, मतलब पहले ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा फिर इंटरसेक्शन आ जाएगा और फिर बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा, फिर उन दोनों के आंसरों को आपने इंटरसेक्शन करके जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, तो वो आप वो भी आपका होमवर्क है। तो ये हमारा जो है वो पहला क्वेश्चन जो है ये हो गया, मतलब हमने जो है वो तकरीबन फाइव कर लिए हैं, हमने थ्री करे हैं और दो जो है वो आपके होमवर्क, हमने हाँ हमने फर्स्ट किया है, थर्ड किया है, फोर्थ किया है और फिफ्थ किया है, हमने चार किया। और क्वेश्चन नंबर टू जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर टू जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट है और क्वेश्चन नंबर थ्री जो है आपका वो है सॉरी क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो आपका है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये दोनों जो है वो आपके होमवर्क है, ये आप बुक से देखिए क्वेश्चन बता रहे। और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आए तो वीडियो को ध्यान से बार बार देखिए ताकि अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, और फिर ये दोनों जो है वो आपके होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर सिक्स आपने कर लेना, फिर आगे जो है फिर जो क्वेश्चन है फिर वो हम आगे की तरफ चलेंगे। स्टूडेंट्स हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर सिक्स तक कर लिया था, मतलब सिक्स जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, छह सवाल हमारे हो गए थे होमवर्क को मिला के, और उसके बाद अब हमें जो है दूसरा क्वेश्चन मिला, वो क्वेश्चन अलग था जिसके अंदर हमें ए का सेट अलग दिया हुआ था, बी का सेट अलग दिया हुआ था, यूनिवर्सल सेट अलग दिया हुआ था। अब बुक के हिसाब से हमने सिक्स तक किए थे, अब हम बुक के हिसाब से जो हमारा 17th क्वेश्चन है वो कर रहे हैं हम, और उसका उसके साथ जो हमें जो सेट्स मिले हैं वो ये मिले हैं, इफ ए is equal to 1234 and b is equal to 2468 show that। अब इसके अंदर जो है अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अल्फाबेट भी हो सकते हैं और नंबर्स भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो है वो नंबर्स भी आ गए, मतलब काउंटिंग में भी आ गया और इससे पहले हमने जो करा था वो अल्फाबेट में था। अब यहाँ पे ये बड़ा क्वेश्चन है तो इसको देख के घबराना नहीं है, अभी मैं आपको आराम से समझाऊंगा, सही तरीके से समझना है, अगर समझ में आ जाएगा तो फिर आसान लगेगा, इतना मुश्किल नहीं। तो हमने इससे पहले जो तीन चीजें पढ़ी थी वो था, एक था कॉम्प्लीमेंट, एक था इंटरसेक्शन और एक था यूनियन। अब हम चौथी चीज पढ़ रहे हैं, पहले उसका इंट्रो है उसके बाद फिर बाकी पूरा क्वेश्चन मैं समझाऊंगा। चौथी चीज पढ़ रहे हैं जो है डेल्टा, जो ऐसे कि ट्रायंगल की शेप का होता है, ये चौथा है डेल्टा।
अब ये हमारा क्वेश्चन है ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब यूनियन इंटरसेक्शन और माइनस ये तीनों हमने पढ़ लिए, मतलब कॉम्प्लीमेंट माइनस होता है तो हमें पता है माइनस में क्या होता है। यूनियन हमने पढ़ लिया, इंटरसेक्शन हमने पढ़ लिया, अब है डेल्टा। अब डेल्टा में क्या करना होता है, अब यहाँ पे ये इज इक्वल टू का मतलब ये है कि इसको सॉल्व करो और इस पूरे को सॉल्व करो, और इसका मतलब ए डेल्टा बी का और ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का, मतलब इस इन दोनों का जो आंसर आएगा और ए डेल्टा बी का जो आंसर आएगा वो दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब ये इज इक्वल टू का मतलब ये है कि दोनों बराबर है, ये वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। तो अब सबसे पहले हम ए डेल्टा में कर रहे क्या होता है वो पहले हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे ए डेल्टा बी हमने लिख दिया, उसके बाद इज इक्वल टू, अब जैसा हमें पता है क्या करना होता है, ए का सेट उसके बाद फिर डेल्टा फिर बी का सेट। अब इसमें भी माइनस की तरह ही करना होता है कि जो सेम होता है वो नहीं आता, जैसे हमें हमने कॉम्प्लीमेंट में करा था, जब कॉम्प्लीमेंट में हम जो यूनिवर्सल सेट से किसी भी ए को या बी को जो भी होता है हमारे पास उसको जब हम माइनस करते हैं तो जो है जो सेम होता है वो कैंसिल हो जाता है बाकी आता है। तो अब यहाँ पे जो सेम है वो नहीं आएगा। अब ये दो ब्रैकेट है 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, अब इसमें हमें डेल्टा करके सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 2 सेम है और 4 सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद 1, 3, 6 और 8 ये दोनों ब्रैकेट से जो बचा हुआ था वो हमने एक साथ कर लिया। तो डेल्टा में भी हमें इंटर कॉम्प्लीमेंट की तरह करना होता है, जो सेम होता है वो कैंसिल हो जाता है, जो बचे हुए होते हैं वो आ जाते हैं। अब उसके बाद करना है क्या, ये तो हमने एक पोर्शन सॉल्व कर लिया, ए डेल्टा भी अभी एक पोर्शन तो सॉल्व हो गया। अब इस इक्वल टू के बाद वाला ये एक पोर्शन है, ये पूरा एक पोर्शन है, ये पूरा एक पोर्शन है, अब हमें ये सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों के बीच में माइनस करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में माइनस करने के लिए हमें पहले ये सॉल्व करना है, फिर ये सॉल्व करना है, फिर इन दोनों का जो आंसर आया था ना उसको हमें माइनस करना है। तो सबसे पहला जो है हमारे पास वो ले लो ए यूनियन बी, तो हमने ए यूनियन बी ले लिया। अब ए यूनियन यूनियन में क्या होता है हमें पता है, हमने पढ़ लिया इससे पहले, ए का ब्रैकेट आ गया, यूनियन आ गया और बी का जो है सेट आ गया। अब इन दोनों के बीच में यूनियन का मतलब होता है कि जो है वो अल्फा, अगर अल्फाबेट से तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में, और नंबर्स होते हैं तो नंबर्स के ऑर्डर में। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो काउंटिंग है, तो काउंटिंग का जो ऑर्डर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो उस ऑर्डर में हमने करना है। अब दोनों ब्रैकेट्स में देख लो कहाँ तक काउंटिंग है, 8 तक काउंटिंग है यहाँ टोटल। तो हमें जो है वो दोनों में से जो जो नंबर्स हमारे पास हैं दोनों सेट्स में उनको हमने जो है वो काउंटिंग के ऑर्डर में लेकर आना है। जैसे हमने सबसे पहले 1 आता है तो 1 देख लिया, 1 है हमारे पास, 2 आता है 2b है हमारे पास, 3 आता है 3b है, 4 आता है 4b, उसके बाद 5 नहीं है हमारे पास, उसके बाद 6 है हमारे पास, 6 आ गया, 7 भी नहीं है, 8 है हमारे पास, 8 तक है, 1, 2, 3, 4, 6, 8, ये हमारा जो है वो ए यूनियन बी का आंसर निकल गया। और एक चीज याद रखनी जो मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर दोनों सेट्स में यूनियन करते वक्त जब हम जो है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में या नंबर के ऑर्डर में लिख रहे होते तो दोनों में अगर कोई ऐसा नंबर या फिर कोई ऐसा अल्फाबेट जो रिपीट हो जाए, जैसे कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 है, 4 है यहाँ पे भी 4 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दो दो दफा लिख देना, लिखना एक ही बार। तो ये हो गया हमारा यूनियन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी हम निकालेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी में ए का जो है सेट आ गया, यहाँ से हमने ए का सेट लिया, इंटरसेक्शन आ गया, बी का सेट आ गया। अब ए का सेट आ गया, इंटरसेक्शन आ गया और बी का सेट आ गया। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, इंटरसेक्शन में करना होता है जो सेम होता है वो आता है। यूनियन में क्या करा था हमने, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख दिया था, और डेल्टा में क्या करा था हमने, जो सेम होता है वो कैंसिल हो जाता है, और कॉम्प्लीमेंट भी इसी तरीके से होता है। इंटरसेक्शन में जो सेम होता है वो आ जाता है। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये हमारा पहला सेट है, उसके बाद इंटरसेक्शन में 2, 4, 6, 8 दूसरा सेट है। अब इन दोनों सेट्स में क्या कॉमन है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखा इन दोनों सेट्स में 2 कॉमन है और 4 कॉमन है, तो 2 और 4 ये हमारा जो है वो एक साइड बन गया ए इंटरसेक्शन बी का। अब हमारे पास ए यूनियन बी भी निकल गया और ए इंटरसेक्शन बी निकल गया। अब हम इन दोनों के बीच में माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, ए यूनियन बी आ गया, माइनस आ गया, इंटरसेक्शन बी आ गया। ए यूनियन बी का क्या आंसर था, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 8 बीच में माइनस, और ए इंटरसेक्शन बी का क्या आंसर था, 2 और 4। अब इन दोनों के बीच में माइनस करना है, और माइनस का मतलब क्या है, जो सेम होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट्स में 2 और 4 सेम है, तो 2 और 4 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, बचा 1, 3, 6, 8, तो 1, 3, 6, 8। अब यहां पे देखें
ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का क्या आंसर है 1368, मतलब इस पूरे का क्या आंसर है 1368, और ए डेल्टा बी का भी क्या आंसर आया 1368। तो ये प्रूव हो गया कि ये और ये दोनों इक्वल है, मतलब कि बराबर है। तो यहाँ पर हमने 100 लिख के ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, पूरा क्वेश्चन था और प्रूव्ड, मतलब ये दोनों के जो आंसर है वो बराबर है। अब ऐसे ही हमारे पास आगे भी एक क्वेश्चन है, इसके अलावा अब ये 17 हमने किया था, 18 पे भी ऐसे ही क्वेश्चन है, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो उसमें भी पहले ए डेल्टा बी निकालना हुआ, फिर जैसे हमने यहाँ पे पहला उठा के ए यूनियन बी निकाला था उसमें ए माइनस बी पहला, तो ए माइनस बी पहले निकालना कि ए के ब्रैकेट ए के सेट को बी के सेट से माइनस करता हूं, माइनस में क्या होता है जो सेम आता है वो कैंसिल हो जाता है, तो ए माइनस बी निकालना, उसके बाद फिर बी माइनस ए निकालना। इन दोनों के आंसर को जैसे हमने यहाँ पे ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी निकाला, तो वहां पे ए माइनस बी और बी माइनस ए है, तो इन दोनों को निकालने के बाद, और वहां पे बीच में है यूनियन, इन दोनों को निकालने के बाद उसके बाद जो है यूनियन निकालना होगा। तो सिंपल है, इसके जैसे ही वो इतना फर्क नहीं है। तो 18 जो है वो आप होमवर्क में ले लें, वो आपको होमवर्क करना है, 18 क्वेश्चन आपको होमवर्क है। 19 में आपको करना है, 19 करना है।